वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाने वाली फ़िश कैप्सिकम। ये देखिए फ़िश कैप्सिकम, इतनी इसमें मिनरल्स होते हैं। फ़िश तो आपके लिए बहुत ही मुफीद है, आप महीने में एक बार खाया करें। और कैप्सिकम डालते हैं तो बहुत ही मज़े की बनती है, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो फ़िश कैप्सिकम जो है बनाते हैं हम, तो ये लिए हमने कढ़ाई। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, कोई ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ मैंने 3 स्पून जो है ऑयल डाला, वो भी डाला कॉर्न ऑयल। इसमें मैंने 2 टमाटर पूरीस डाल दिए, ठीक है। अब ये टमाटर पूरीस और साथ ही मैंने ये शिमला मिर्च डाल दिए, इसमें स्पाइसेस डाल दिए, हल्का सा नमक डाल दिए। अब इसको हम उसी टमाटर के अंदर ही हम थोड़ा सा भुनेंगे और थोड़ा सा ढक देंगे, कोई मैंने प्याज का यहाँ पे नहीं रखा तल। ये देखिए, आपको पता कैप्सिकम बहुत जल्दी होती है। और मसाला देखें बन गया। अब इसमें हमने सारे जो है ये फ़िश डाल दिए। अब ये स्पाइसेस डालने के बाद, मुझे इतनी स्पाइसेस नहीं डालनी पड़ेंगी, ये फ़िश पे ऑलरेडी स्पाइसेस लगी हुई हैं, इनको मैंने मैरिनेट किया था। और ये टमाटो केचप डाला, ये स्पाइसेस हो जाएंगी हमारी, ये स्पाइसी टमाटो केचप डाला है। और ये मैंने इसको ढक दिया थोड़ी देर। और ये देखिए, ये फ़िश टिक्का जो है 2 मिनट में पक जाता है और ये बिल्कुल रेडी हो रहा है। और इसको थोड़ा सा हम भुनाई करेंगे इसकी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी डिश, आप भी बनाइएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी। और ये देखिए जी, कोई इसमें प्याज का मसाला मैंने यूज़ नहीं किया। और ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी बन गई है। और चिली टमाटो सॉस मैंने यूज़ किया, चिली गार्लिक टमाटो सॉस, और उससे बस नमक डाला और चिली टमाटो सॉस यूज़ किया है। और ये टिक्के मेरे पास बने हुए थे, ये मेरी जाके देखें मेरे रेसिपी में, टेस्ट द बेस्ट किचन में आएँ और वहाँ देखें टिक्के मैंने कैसे बनाए। उन्हीं टिक्कों का मैंने ये बनाई है। ले देखें जी, बन के रेडी हो गया, 2 मिनट में रेडी डिश। और मेहमान आए तो फटाफट बनने वाली डिश, भूख लगी हो तो फटाफट बनाएं, तो लगी ना अच्छी आपको डिश, तो बनाइए फटाफट फिश टिक्का कैप्सिकम रेसिपी। तो दुआओं में याद रखें, नई रेसिपी लेके जल्दी आऊँगी, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और जाते जाते आपसे ये कह दूँ कि कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो ज़रूर